आज भी है ना, सिलेंडर बड़े आए था, फंस गया, पांच सिलेंडर थे उसके ऊपर और फंस गया। हमने है ना अपने कपड़े खोल गया ना ऊपर, उसको है ना सिलेंडर उतार के हमने किया सारा, ठीक है। उससे पहले दो बच्चे है ना स्कूल जा रहे थे, एक यहाँ टप रहा था, उसके बाद उसे हाथ पकड़ा, वो नीचे पड़ गए, ठीक है नहीं। उससे पहले भी है ना दो मोटरसाइकिल, तीन मोटरसाइकिल जो भी आते हैं यहाँ फंस जाते हैं सारे, हम निकालते हैं उनको बैठ के। आज गाय फंसी हुई थी शाम को, अभी अभी उसे हम रस्से लेंगे, वो रस्सा पड़ा हमारा, रस्से खींचे, मेरे बच्चे थे बेटे, उन्होंने निकाला उसको। मैंने इनको एमसीओ भाई बेटे को फोन किया मैंने, मैं कल ही फोन किया था, बिल्कुल कल ही फोन किया मैं, मेरा गली हालत बहुत ज्यादा खराब है, ये मेरे बेटे ये है, ठीक है ना। क्या वजह, क्या मानते गली का? गलियां मेन चक्कर ये है, चाहे गली ऊंची करो या नीची करो, मेन चक्कर है सीवर का, कहीं ना कहीं। हाँ मेन चक्कर है सीवर, मेन चक्कर सीवर का, तो राम गली जो ऊंची होगी फिर भी पानी पड़ता है, कहीं ना कहीं अधिकारी भी काम को लेट कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, 23 तारीख बात है, आज 23 तारीख हो चुकी है, ये गली पाट रखी है सारी। गली में तो बहुत बुरा हाल हो रखा है और इसको सुधार तो करवा ही नहीं रहा कोई भी, और एक महीना हो गया। क्या वजह, क्या मानते हैं वजह क्या? ये देखो सीवर लाइन सारी बेकार हो रही है। कितने के हादसे हो चुके हैं ये बताते हैं? कुछ हादसे भी डेली का है हादसा, तो किस तरह का हादसा होता है? कोई बाइक वाला, कोई बच्चा, कोई बच्चों की साइकिलें, कोई लेडीज, कोई बुजुर्ग, कोई ना कोई फंसा ही होता है। क्या कार्रवाई, क्या कार्रवाई चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? इसका सुधार करवाया जाए। हमारे लगातार सीवरेज की दिक्कत तो इस गली में रहती है। अब नई गली का निर्माण कार्य चल रहा है, गली नंबर 1 हरिविष्णु कॉलोनी का। इसमें पीछे पानी की दिक्कत थी, जो पानी की पाइपलाइन डलवा रहे थे। अब बारिश का मौसम सीवरेज का तो तकरीबन रहता ही है। इसके लिए हम पब्लिक हेल्थ को काफ़ी बार जा के उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं भी आप सीवरेज का कोई ना कोई प्रबंध करो। तो वहाँ पर अब मोटर इन्होंने 40-40 की करवाने के लिए हमने कही थी, छोटी मोटर लगा दी जो ढंग से चल नहीं रही। अब लगातार जब बारिश होती है, बारिश के बिना भी हफ्ते हफ्ते 10-10 दिनों तक यहाँ पे बुरा हाल रहता है। ये गली होगी 1 नंबर हरिविष्णु कॉलोनी की होगी, 1 ये सामने जो अंग्रेज एमसी वाली गली होगी, भारत नगर 1 नंबर गली का बुरा हाल है। तो जब से पहले क्या था सिस्टम, पहले बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई थी, जब से बड़ी मोटरें यहाँ से हटाई है तकरीबन हमें 10 साल ऐसे हो गए, जब से मोटर हटी है ना तब से जी दुर्गति हो गई है। नहीं बहुत जने बुजुर्ग वगैरह जिस तरह का हाल है उस तरह से पीछे भी 2-3 बार इंसिडेंट हो चुके। हाँ जी, आप इस बार के पार्षद भी हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं समस्या सुलझने की क्या वजह, क्या मानते हैं इस समस्या का निदान होने की क्या वजह? हम तो लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं जी। हम तो परसों भी 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी प्रशासन के पास जाके आए थे, पब्लिक हेल्थ एसडीओ के जेई के संज्ञान में भी लाए। अभी इस गली में दिक्कत है सीवरेज की,
बिना बारिश के दिनों में भी आप ये मान के चलो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे दिक्कत रहती है। हमने प्रशासन से मांग की थी जो ये सीवरेज डिस्पोजल है जो सतनाम चौक पे ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का लगाया हुआ है, जब जब लगा था तो बारिश होती थी भी थी, अगर ज़्यादा बारिश दो दिन तीन दिन लगातार हो भी गई तो उसमें मतलब कि 5-7 घंटे के अंदर कॉलोनी का पानी निकल जाया करता था, लेकिन जब से मोटर हटी है ना उसके बाद से यहाँ पे 5-5, 6-6 दिन पानी, थोड़ी सी बारिश होने के बावजूद भी वो पानी वैसा का वैसा खड़ा रहता है। नहीं गली का तो जी अब ये गली का कर रहे हैं, गली का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पानी की 2-3 जगह पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा खासी परेशानी आती है, लोग काफ़ी परेशान हैं, इसके लिए गली की ये समस्या का करवाया था, लेकिन ये कुछ तो परमात्मा की बारिश हो गई और कुछ ये सीवरेज की दिक्कत तो रहती है जी यहाँ पे। हाँ जी मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ भी यहाँ पे जो पहले की तरह मोटर लगी हुई थी 40-40 हॉर्स पावर की, यहाँ पे बड़ी मोटर लगाई जाए, अब भी इन्होंने छोटी मोटरें लगा के कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं किया। पहले हमारी जो सॉल्यूशन था वो बड़ी मोटरें लगा के किया जाता था, तो हमारी तो यही अपने एक्शन साहब से चाहे एससी साहब है पब्लिक हेल्थ के उनसे यही प्रार्थना है भी यहाँ पे जिस तरह से पहले की तरह जो मोटर लगी हुई थी पानी के डिस्पोजल से पानी निकालने के लिए वही मोटर वहाँ पे दोबारा लगाई जाए ताकि कॉलोनीवासी जो नीचा इलाका पड़ता है हमारा वहाँ से जल्दी पानी निकाला जा सके, और नगर परिषद से यही प्रार्थना है कि भी जल्दी से जल्दी ये जो गली का ये है कार्य वो संपूर्ण कराया जाए ताकि लोगों को ये समस्या ना आए।